जैसा कि कुछ लीक और अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि महिंद्रा कंपनी एक नई एसयूवी पे काम कर रही है, और जितना भी अभी तक लीक निकला है उससे ये कंफर्म किया गया है कि महिंद्रा की ये अपकमिंग एसयूवी का नाम इंडियन मार्केट में XUV400SUV के नाम से लॉन्च किया जाएगा, जिसका सीधा सीधा मुकाबला किया सेल्टास और हुंडई करेटा को कड़ी टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हुंडई करेटा और किया सेल्टास इस वक्त एसयूवी मार्केट में काफी ज्यादा मशहूर कार है, तो महिंद्रा कंपनी मार्केट को देखते हुए और समझते हुए अपनी एक नई एसयूवी पे काम कर रही है जो कि इन दोनों एसयूवी को कड़ी टक्कर देने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसयूवी मार्केट में इन दोनों एसयूवी का इंडिया में काफी ज्यादा चलान है, यानी कि काफी ज्यादा क्रेज है। तो पहले नंबर पे हुंडई करेटा है, तो वहीं दूसरे नंबर पे किया सेल्टोस है। दोस्तों, किया सेल्टोस की आपने एक केस तो सुना ही होगा कि कुछ दिन पहले किया सेल्टोस बीच में से टूट गई थी, यानी कि उसका प्लेटफॉर्म टूट गया था, जिस वजह से इसके अंदर बैठे लोगों का अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वही है जो एसयूवी मार्केट में पहले नंबर पे हुंडई करेटा, जिसकी बुकिंग कम से कम 6 से 7 महीने तक का है। तो इस एसयूवी का क्रेज इंडिया में काफी ज्यादा है, तो महिंद्रा कंपनी अपनी एसयूवी को एक नए डिजाइन लैंग्वेज पे तैयार कर रही है, जो कि इन दोनों एसयूवी से काफी बढ़िया फीचर्स देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप किया सेल्टास और हुंडई करेटा में दुनिया भर की कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन ये महिंद्रा की अपकमिंग एसयूवी काफी ज्यादा अलग फीचर्स के साथ नजर आने वाला है। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी अपनी XUV400SUV को ऊपर रखने के लिए उसमें कड़ी मेहनत कर रही है, और इन दोनों एसयूवी से काफी बढ़िया फीचर्स का इस्तेमाल कर रही है। और महिंद्रा की कार है तो सेफ्टी के मामले में उस कार को कोई बुरा भी नहीं कह सकता। वहीं दोस्तों, अगर आप 2022 के दौरान कोई एसयूवी कार खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आपके लिए महिंद्रा कंपनी एक नई एसयूवी ला रही है, जिसका नाम XUV400SUV से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जो कि किया सेल्टास और हुंडई करेटा को कड़ी टक्कर में उतारेगा, जिसमें इन दोनों एसयूवी से काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कैसे हो आप लोग? आप लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम, और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में, जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के तरफ से आने वाली काफी बेस्ट ब्यूटीफुल एसयूवी XUV400SUV कार के बारे में। जी हां दोस्तों, महिंद्रा कंपनी ने खुलासा किया है कि आने वाले टाइम में वो अपनी कई एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा, और जैसा कि कुछ खबरों का माने तो महिंद्रा कंपनी एक नई एसयूवी XUV400SUV को काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी के साथ तैयार कर रही है, जिसमें कि हुंडई करेटा और किया सेल्टास से कई बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के बारे में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे अपकमिंग महिंद्रा XUV400SUV से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हुंडई करेटा और किया सेल्टास में कई प्रकार की कमियां आप निकाल सकते हैं, हालांकि इन दोनों एसयूवी का काफी ज्यादा यूजर्स है और इसका इंडिया में ज्यादा कस्टमर बेस है, लेकिन इन दोनों एसयूवी में आप कुछ ना कुछ कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन आने वाली महिंद्रा XUV400SUV में आप कुछ भी कमियां नहीं निकाल सकते, बिकॉज इस कार को महिंद्रा कंपनी ने एक माइक्रो एसयूवी की तरह डिजाइन दिया है, जिससे एडवेंचर के शौकीन लोगों को ये कार बेहद ही खूबसूरत लगने वाली है। और महिंद्रा कंपनी ने ये भी खुलासा किया है कि अपनी XUV400SUV को इंडियन मार्केट में कम से कम प्राइस में लॉन्च करेगी, और ये महिंद्रा की कार है तो मुझे नहीं लगता कि ये अपना नाम बनाने में ज्यादा देर लगाएगी। तो दोस्तों, वहीं चलिए बात कर लेते हैं इसके लुक्स और डिजाइन की। तो महिंद्रा कंपनी की अपकमिंग XUV400SUV कार की इंडियन मार्केट में काफी बोल्ड क्वालिटी के साथ देखा जाएगा, और इस कार को एक अलग लुक दिया जाएगा। डिजाइन में इस कार को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल आकार के साथ लॉन्च किया जाएगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि महिंद्रा कंपनी ने एक शानदार और काफी प्रीमियम एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। वहीं दोस्तों, इसके फ्रंट में आपको बिल्कुल नया फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको महिंद्रा का एक नया लोगो नजर आएगा। साथ ही आपको न्यूली डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नया DRLs देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको नया बम्पर के साथ फॉग लैम्प की नई हाउसिंग देखने को मिलेगी। रेयर में आपको नई LED टेल लाइट, शार्क फिन एंटीना, रूफ फ्लेयर, और बताया जा रहा है इस कार में आपको ड्यूल टोन और मोनोटोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है।
और वहीं आपको नई एसयूवी स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर में और टायर के साथ आपको R17 R18 इंच तक की बिल्कुल नए डीएन की अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि कुछ लीक और अपडेट से ये भी पता चला है कि इंडियन मार्केट में जो XUV 4WSUV का लॉन्च किया जाएगा वो बेस्ड होने वाली है सैमसंग कर्नाडो पे। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वहीं बात कर लेते हैं इसके इंजन पावर के बारे में। तो महिंद्रा की अपकमिंग XUV 4WSUV कार के इंजन में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि 120 PS के करीब पावर देने वाला है और इस इंजन के साथ आपको एक डीजल इंजन की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है जो कि महिंद्रा थार में मिलने वाला 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन होगा जो कि 130 BHP के करीब पावर जनरेट करने वाला है। दोस्तों इस इंजन के साथ महिंद्रा की अपकमिंग XUV 4WSUV कार अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा पावरफुल SUV होगी और वहीं ये दोनों इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलने वाली है और ये SUV आपको फ्रंट व्हील ड्राइव की स्टैंडर्ड ऑप्शन में देखने को मिलेगी और ये बताया जा रहा है कि इस SUV कार में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड के ऑप्शन में ही देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान दे इसके इंटीरियर की तरफ तो महिंद्रा की अपकमिंग XUV 4WSUV कार के इंटीरियर को कई ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस के एडवांस फीचर को सपोर्ट करने वाला है और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में नए सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ एक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी जिसमें आपको महिंद्रा का एक क्रोम लोगो नजर आएगा। साथ ही आपको इसके इंटीरियर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और बताया जा रहा है इस कार में आपको XUV 5WSUV की तरह ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिस्प्ले को दोनों को एक साथ बनाकर एक नया डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस एक खबर निकल कर आ रही है और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इसमें आपको सनरूफ की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में लार्ज डोर पॉकेट बॉटम लैंड का फोल्डर लार्ज बूट स्पेस और इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और 5% सीटिंग अरेंजमेंट ऑल सीट विथ हेडरेस्ट रियर सीट विथ पावर सॉकेट USB चार्जिंग AC वेंट की ऑप्शन और बताया जा रहा है इस कार में आपको कीलेस की एंट्री की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ बात आती है लाइफ इन इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कि सेफ्टी के, तो इसके पूरे बॉडी में आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी होगा और एयरबैग में आपको ऑल एयरबैग मल्टी एंगल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा हिल लॉन्च असिस्टेंट और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी प्रोग्राम का भी सिस्टम देखने को मिल जाता है और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम एक्टिव इमरजेंसी ब्रेक जैसे फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं और बताया जा रहा है इस कार में आपको सेफ्टी के लिए डाउनहिल कंट्रोल और स्पीड अलर्ट सिस्टम स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक सीट बेल्ट रिमाइंडर विद पेडेस्ट्रियन जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहीं फाइनली अब बात आती है इस कार की लॉन्च और प्राइस की, तो एक अनुमान के अनुसार इस कार की प्राइस 10 लाख से शुरू होकर 14 लाख तक की आपको देखने को मिल सकती है और इस कार की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 2022 के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये कार कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना।